बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया, जिसमें टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान लोगों को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में हमीदुल रहमान लोगों से कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद केंद्रीय बल यहां से चला जाएगा, उसके बाद उनकी पुलिस के साथ लोगों को रहना होगा, इसीलिए वो अपना वोट बर्बाद मत करें। अब बंगाल बीजेपी ने इस वीडियो के आधार पर चुनाव आयोग से हमीदुल रहमान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा से हमीदुल रहमान विधायक हैं और 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी इनके विवादास्पद बयान ने खूब तूल पकड़ा था। सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स 26 তারিখ পর্যন্ত থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। মূল্যবান ভোটগুলো নষ্ট করবেন না, বাদরামি করবেন না। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে, তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো। और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का वीडियो पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चोपड़ा से टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के लिए जाने जाते हैं, यहां उन्हें वोटरों और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए देखा जा सकता है। आगे वो लिखते हैं कि उनका आदेश साफ है, एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद केंद्रीय बल चले जाएंगे और एकमात्र बल जो रहेगा वो उनका टीएमसी का है। मतदाताओं और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनसे निपटना होगा। आगे शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर लिखा कि मैं चुनाव आयोग से चोपड़ा से टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के धमकी भरे वीडियो पर संज्ञान लेने का आग्रह करना चाहूंगा, जो स्पष्ट रूप से मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की बक्सर लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बगावत के संकेत दे दिए। बक्सर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने समर्थकों को भरोसा देते हुए दावा किया कि बक्सर में वो ही रहेंगे। इस दौरान अश्विनी चौबे ने अपने खिलाफ षड्यंत्र होने की आशंका भी जता दी और चेतावनी भी दे दी कि उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों का पर्दाफाश चुनाव के बाद हो। षड्यंत्रकारी थे, चुनाव के बाद वो नंगे होंगे। बक्सर लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से 2014 और 2019 का चुनाव जीतने वाले अश्विनी चौबे ने टिकट कटने पर हैरानी जताई। उन्होंने अपने समर्थकों को भरोसा दिया कि वो बक्सर में ही रहेंगे। बक्सर में मैं ही रहूंगा। बीजेपी ने बक्सर लोकसभा सीट पर अश्विनी चौबे की जगह गोपालगंज के रहने वाले मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतार दिया, लेकिन टिकट कटने के बाद से अश्विनी चौबे का दर्द बार बार सामने आ रहा है। दो दिन पहले पटना पहुंचने पर भी उन्होंने टिकट नहीं मिलने पर अपना दर्द बयां किया था, लेकिन बक्सर में अपने समर्थकों के बीच तो उन्होंने पूरी तरह बगावत के संकेत दे दिए। अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। बक्सर में 1 जून को 7वें यानी आखिरी चरण में वोटिंग होगी, लेकिन अश्विनी चौबे की बगावत की अटकलों से वहां का सियासी तापमान बढ़ गया। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, इस चुनाव में वोट जरूर करें। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली करेंगे पीएम मोदी, राजस्थान के बाड़मेर में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित, दौसा में भी करेंगे रोड शो। टीएमसी एमएलए हमीदुल रहमान की वोटर को धमकी, कहा केंद्रीय सुरक्षा बल चुनाव के बाद चले जाएंगे, उसके बाद सबको हमारी पुलिस के साथ ही रहना है। पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस ने की छापेमारी, पुलिस ने डीजे प्रचार गाड़ी को जब्त किया। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। आप पूछकर परेशान किया गया, मैदान के अंदर नमाजियों को पुलिस बदतमीजी से खदेड़ रही थी। बताया गया कि इसके बाद पहले तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसी ईदगाह के बाहर नारेबाजी की और फिर विरोध जताने के लिए थाने पहुंच गए। उधर दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता की एक कविता की मुश्किलें और बढ़ गईं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के बाद बीआरएस नेता के कविता को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी तिहाड़ जेल से हुई, जहां वो पिछले कई दिनों से न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में सीबीआई ने पिछले हफ्ते उनसे 6 घंटे पूछताछ भी की थी। खबर है कि जांच एजेंसी सुबह के कविता को कोर्ट में पेश कर सकती है।
पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले की जांच कर रही सीबीआई ने शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए एक ईमेल आईडी जारी कर दी। इसके साथ ही पीड़ितों से अपील की गई वो बिना डरे इस ईमेल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में खुदाई में मिला 1000 साल पुराना मंदिर जुलाई में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। बताया गया कि इस शिव मंदिर की ऊंचाई 37 फीट होगी। इस प्राचीन मंदिर के अवशेष जून 2021 में मिले थे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां ईद की छुट्टी के दिन छात्रों से भरी एक स्कूल बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में 8 बच्चों की जान चली गई, 15 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद जीएल पब्लिक स्कूल नाम के उस स्कूल की प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि ईद की सरकारी छुट्टी होने के बाद भी स्कूल को खुला रखा गया और स्कूल जाते हुए वो बस हादसे का शिकार हो गई। घटना वाली जगह से आई तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वो हादसा कितना खतरनाक रहा होगा, क्योंकि उस स्कूल बस के परखचे उड़े नजर आए। उसके पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह टूटा फूटा दिखाई दिया और खिड़कियों का एक एक शीशा चकनाचूर हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे से पहले वो स्कूल बस बेहद तेज रफ्तार में दौड़ रही थी और एक रास्ते पर मुड़ने के दौरान ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया। इसके बाद वो बस सीधे एक पेड़ से जा भिड़ी और जोरदार टक्कर के बाद वहीं पलट गई। उसने 120 की स्पीड भगा ली और जैसे ही उसने मोड़ा ना बैलेंस बिगड़ गया। आरोप लगा कि हादसे के वक्त स्कूल बस का ड्राइवर नशे में धुत था। बता रहे हैं कि ड्राइवर ने कोई शराब वगैरह पी के दिया। चश्मदीदों के मुताबिक वो स्कूल बस उस पेड़ से इतनी तेज रफ्तार में टकराई कि कुछ छात्रों की वहीं जान चली गई। हालांकि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने आसपास के लोगों की मदद से घायल हुए बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवा दिया ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू किया जा सके। लेकिन इस घटना की खबर लगते ही उन लोगों के होश उड़ गए जिनके बच्चे हादसे का शिकार हुए और इसके बाद तो वो सीधे उन अस्पतालों की ओर दौड़ पड़े जहां घायल बच्चों को भर्ती करवाया गया। वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ परिजन तो अपने घायल बच्चों को गोद में ही उठाकर इलाज के लिए इधर उधर भटकते दिखाई दिए। जो बस हादसे का शिकार हुई वो महेंद्रगढ़ में मौजूद जीएल पब्लिक स्कूल नाम के प्राइवेट स्कूल की थी और घटना के वक्त उसमें करीब 40 छात्र मौजूद थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये रही कि ईद की सरकारी छुट्टी वाले दिन भी वो स्कूल खुला हुआ था। बस आई थी, बच्चों को भेज दिया, कोई सूचना थी नहीं छुट्टी की। हादसे के बाद हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने अस्पताल में जाकर घायल बच्चों का हाल जाना। उन्होंने इस मामले में सख्त जांच के आदेश दिए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। छुट्टी के दिन स्कूल चल रहा था जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया, क्योंकि इस भयंकर हादसे ने हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में खलबली मचा दी। यही वजह रही कि हरियाणा सरकार फौरन एक्शन में आ गई। इस मामले में उस स्कूल की प्रिंसिपल पर भी गंभीर आरोप लगे और इसीलिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, क्योंकि दावा किया गया कि जो स्कूल बस हादसे का शिकार हुई उसका ड्राइवर नशे में था और बस चलाने की हालत में नहीं था। लेकिन आरोप लगे कि इस बात की जानकारी होने के बाद भी जीएल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही वजह रही कि पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। प्रिंसिपल को हिरासत में लेने के साथ ही पुलिस ने उनके दफ्तर से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए। जिसने कानून तोड़ा उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।